नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आप देख रहे हैं, मैं आज मैंने टॉपिक लिखा हुआ है और लिखा है डीपी राय चौधरी। मैं आज डीपी राय चौधरी को पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ दिल्ली वाले बच्चों के लिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, DSSP से एक नोटिस आया और वो नोटिस ये है कि जो फाइन आर्ट का जिन लोगों ने भरा था उसकी डेट आ चुकी है। तो आप डेट शीट चेक कर लें, 17 जुलाई को एग्ज़ाम है। और जो ड्राइंग टीचर वाले बच्चे हैं, जिन्होंने ड्राइंग टीचर के लिए अप्लाई किया था, उनकी भी डेट जल्दी ही आने की संभावना है। आई थिंक मेरे ख्याल से तो 25 जुलाई के आसपास एग्ज़ाम हो जाना चाहिए जो आर्ट वाले बच्चों ने ड्राइंग टीचर के लिए भरा है। तो अभी फाइन आर्ट का एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है, तो अब आप लोग भी अलर्ट हो जाइएगा। आप लोगों का भी एग्ज़ाम जल्दी आने वाला है। और देखिए, DSSP में पूरी इंडियन हिस्ट्री पूछी जाती है, तो इंडियन हिस्ट्री के लिए बिल्कुल तैयार रहें। और बाकी जो सब्जेक्ट आते हैं इसमें, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और GK, इन सब के लिए भी अपनी प्रिपरेशन करते रहें। सबसे ज़रूरी चीज़ एक मैं बता देना चाहती हूँ, बच्चे बार बार पूछते हैं, ये मेरी बुक है इंडियन हिस्ट्री बेस, बंगाल शैली तक मैंने इसमें दिया है, और पूछते हैं कि देखिए ये 250 रुपये की है। 250 रुपये में आपको ही मिल जाएगी, और 2-3 दिन रुकेंगे तो अमेज़ोन पे आपको मिल जाएगी। और अभी आप मुझसे भी इसको मंगा सकते हैं 9599670200 पर कॉन्टैक्ट करके। इसमें पूरा मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, आपको ज़रूर लाभ होगा। इसमें से जरूर प्रश्न आएंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले, स्पेशली DSSP वाले बच्चों को, क्योंकि उनके में बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट नहीं पूछे जाते हैं, तो जो पूरी इंडियन हिस्ट्री है उससे ही क्वेश्चंस आते हैं। उनके में आता ही इंडियन हिस्ट्री है, तो और कुछ नहीं आता। तो इसमें मैंने सारा कुछ दिया है। और बाकी जो बच्चे ऑनलाइन क्लास लेने के इच्छुक हैं, वो ऑनलाइन क्लास भी मेरी ले सकते हैं कॉन्टैक्ट करके। आप ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं पढ़ाऊँगी डीपी राय चौधरी, आज जो मेरा टॉपिक है। तो डीपी राय चौधरी के बारे में हम जानेंगे। इनका जन्म हुआ था 15 जून 1899 ईस्वी। जन्म 15 जून 1899 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। स्थान कहाँ? बंगाल के रंगपुर जिले में। कहाँ हुआ था स्थान? बंगाल के रंगपुर जिले में, जो वर्तमान में किस नाम से है? वर्तमान में बांग्लादेश लिख लेंगे, वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से। ठीक, ये देखिए, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरी चीज है, पत्नी का नाम था इनकी, क्या नाम था पत्नी का? डाली। तो पत्नी तो आई थिंक ये चीजें नहीं पूछी जाती है, ये इनका पर्सनली जो जीवन है, व्यक्तिगत जीवन है। अब देखिए, इन्होंने पेंटिंग किससे सीखी थी? डीपी राय चौधरी हालांकि अपनी मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन इन्होंने पेंटिंग भी सीखी थी, ये पेंटिंग भी जानते थे। और किससे सीखी थी पेंटिंग की शिक्षा? पेंटिंग की शिक्षा, सॉरी, शिक्षा इन्होंने ली थी अवनींद्रनाथ टैगोर से। टैगोर से इन्होंने पेंटिंग की शिक्षा ली थी, ये पेंटिंग भी करते थे। मूर्ति कला का, अच्छा मूर्ति कला भी, क्योंकि मूर्तिकार थे तो मूर्ति कला का प्रशिक्षण भी किसी से लिया होगा। मूर्ति कला का जो प्रशिक्षण है इन्होंने लिया था हिरण्यम राय चौधरी से। मूर्ति कला की शिक्षा हिरण्यम राय चौधरी से मूर्ति कला की शिक्षा ली थी। ठीक है, ज़्यादातर मूर्ति कला के शिक्षक ही पूछे जाते हैं इनके कौन थे। देखिए, ये प्रसिद्ध हैं किस लिए? इन्होंने निर्माण किया था, ये कहिए इनकी प्रसिद्धि है। किस लिए इनकी प्रसिद्धि है? तो इनकी जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि है वो है शहीद स्मृति ब्रांज मूर्ति। शहीद स्मृति का निर्माण किसने किया था, इस तरह से ये प्रश्न आता है। ये इनकी एक ब्रांज मूर्ति है, ब्रांज में बनी हुई है, तो वो डीपी राय चौधरी हैं शहीद स्मृति का निर्माण करने वाले। दूसरी थी इनकी द ट्रम्प ऑफ लेबर, श्रम की विजय। दूसरी मूर्ति थी इनकी
श्रम की जीत या श्रम की विजय, द ट्रम्प ऑफ लेबर। तो देखिए इसका निर्माण किया था इन्होंने 1954 ईस्वी में। निर्माण कब किया था? 1954 ईस्वी में द ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति का निर्माण 1954 ईस्वी में किया था। ये कहाँ है? देखिए इसके बारे में दो सवाल आते हैं, तो पहले मैं इसको मिटा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे समझाती हूँ क्योंकि काफ़ी कुछ है इनके बारे में बताने को। एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ इसको। जन्म हुआ था 15 जून 1899 ईस्वी को, स्थान बंगाल के रंगपुर जिले में, और पत्नी डाली पेंटिंग की शिक्षा जो इन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर से ली थी, और जो मूर्ति कला की शिक्षा है वो इन्होंने ली थी हिरण्यम राय चौधरी से। निर्माण शहीद स्मृति का प्रश्न भी इनका आया हुआ है KVS में, मैंने देखा शायद 2015 का, पता नहीं 18 का है, उसमें ये प्रश्न आया हुआ है, पूछा गया है यहाँ से। और दूसरी जो इनकी प्रसिद्धि थी वो थी श्रम की जीत, द ट्रम्प ऑफ लेबर। तो अब इनके बारे में जानते हैं, द ट्रम्प ऑफ लेबर से कैसे इनकी प्रसिद्धि रही है। बीच, मरीना बीच मतलब समुद्र तट पर, मरीना समुद्र तट कहाँ है? चेन्नई, मरीना समुद्र तट पर चेन्नई, ये वहां रखी हुई है। ये क्या दर्शाती है? राज्य मिस्त्रियों का एक समूह जो पत्थर के एक टुकड़े को उठाने का भरसक प्रयास प्रयास कर रहा है। तो कई बार इसके बारे में भी प्रश्न पूछा गया है कि जो डीपी राय चौधरी की जो मूर्ति है द लेबर ऑफ ट्रम्प, वो क्या दर्शाती है? सॉरी, द ट्रम्प ऑफ लेबर वो क्या दर्शाती है? तो एक मिस्त्रियों का समूह है जो उसको भरसक उठाने का प्रयास कर रहा है। तो इस तरह से ये प्रश्न आता है। एक चीज और मैं इसमें बता देती हूँ, इनकी जो मेन कृति है ये वाली, ये मरीना समुद्र तट मुंबई सॉरी चेन्नई में है, लेकिन जो इनकी एक इसी की जो प्रतिकृति है या एक और इसी की कृति बनी है वो दिल्ली में है। ठीक है, तो आपका प्रश्न आता है इसमें, एक दिल्ली में है और एक मरीना समुद्र तट चेन्नई में है। अब आप देखेंगे, दूसरी चीज मैं इनके बारे में बता देना चाहती हूँ, ये इनकी कृतियों पर जो प्रभाव था वो था फ्रेंच प्रभाववादी मूर्तिकार का। कृतियों पर प्रभाव, इनकी कृतियों पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो किसका प्रभाव दिखाई देता है इनकी कृतियों पर? फ्रेंच प्रभाववादी मूर्तिकार अगस्त रोंदा का। अगस्त रोंदा का इनकी मूर्तियों पर काफी प्रभाव देखने को मिलता है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि डीपी राय चौधरी की मूर्तियों पर किसका प्रभाव दिखाई देता है। देखिए, ये प्रथम भारतीय प्राचार्य बने थे, ये प्रश्न पूछा गया है, प्रथम भारतीय प्राचार्य किसके बने थे? गवर्नमेंट स्कूल ऑफ मद्रास, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ मद्रास के ये प्रथम भारतीय प्राचार्य बने थे, और कब बने थे? 1929 ईस्वी में। कब? 1929 ईस्वी में। ठीक है, अब आगे आप देखेंगे, इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1958 ईस्वी में पद्म भूषण, 1958 ईस्वी में इनको पद्म भूषण मिला था। इसके बाद इन्होंने दांडी मार्च की प्रतिमा भी बनाई है। प्रतिमा बनाई दांडी मार्च, देखिए मैंने कल मुकुल चंद दे पढ़ाया था, और उनकी जो कृतियां थी, कलाकृतियां मैं नहीं बता सकी थी, समय हो चुका था। तो उनकी कलाकृतियां मैंने अपने जो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है हमारा, आप सर्च करेंगे, आर्ट ज्ञान कला के नाम से बना हुआ है। तो आर्ट ज्ञान कला जब आप सर्च करेंगे, ग्रुप है टेलीग्राम का, मैंने उस पर ये कृतियां डाल दी हैं, आप देख सकते हैं, उनको नोट कर सकते हैं अपने नोट में। तो थोड़ा सा समय बचाने की मैंने कोशिश की है, आप जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से, आपको ये सारी कृतियां वहां पर डली हुई मिल जाएंगी, और वहां पर आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी वहां पर। अब दूसरी चीज आती है, देखिए इनका जो विषय था, ज्यादातर इन्होंने महिलाओं पर चित्र बनाए हैं, विषय था महिलाओं पर चित्र बनाए हैं।
इन्होंने महिलाओं पर चित्र बनाए हैं। इनकी मृत्यु हुई थी 1975 ईस्वी में 15 अक्टूबर, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ मृत्यु 15 अक्टूबर 1975 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। देखिए खाली सन मत रटिएगा, अगर डेट दी है तो डेट भी आपको याद रखनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने भी देखा है, जैसे मैं राजस्थान के बच्चों को पेपर सॉल्व करा रही थी, उसमें मैंने देखा कई बार ये चीज़ साथ में दी होती है और सन उसमें अलग अलग तरीके से ऑप्शंस में दिया होता है। और राजस्थान में ही नहीं, यूपी के क्वेश्चन पेपर में भी ऐसा हुआ है कई बार, प्रीवियस ईयर के अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आपको साथ में ये अगर चीज़ें दी हुई है, जिसमें नहीं दी कोई बात नहीं, लेकिन जिसमें दी है एग्जैक्ट डेट, तो आप एग्जैक्ट डेट भी याद रखेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट डेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर है तो, और आपको याद भी होनी चाहिए। और इसको याद करना, क्योंकि जब चार ऑप्शन आपके सामने दिए होते हैं तो ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बहुत ईजी हो जाता है। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी करेंगे और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, एग्ज़ाम जल्दी हो सकता है आपका, संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, तो तैयारी रखें अपनी पूरी। और इसके जो जो भी कलाकृतियां हैं वो सब मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूंगी, बाकी जितनी भी बची हैं। और एक और जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ, क्योंकि जो कुछ छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं, तो जो रिवीजन है मैं आपका टेलीग्राम ग्रुप पर भी चेक कराऊंगी और यूट्यूब चैनल पर भी, दोनों पर मैं आप रिवीजन भी साथ साथ कराना शुरू कराती हूँ। और मैं बहुत जल्दी एक पाश्चात्य कला पर वीडियो लेकर आने वाली हूँ, पीजीटी के बच्चों के लिए, एलटी के बच्चों के लिए और स्पेशली नेट के बच्चों के लिए, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में पाश्चात्य कला का ही लेकर आऊँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।